नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और चलिए आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब के साथ आए हैं। और आज का सवाल दोस्तों ये है कि क्या आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो सोलर प्लांट लगाने के लिए साइट सर्वे में क्या क्या चीज को देखा जाता है। अगर हमको यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि सोलर प्लांट लगाए हैं, तो इससे पहले हमने किन किन बातों का ध्यान रखा होगा, या हम अगर ग्राउंड माउंट लगाते हैं, जमीन पे सोलर प्लांट लगाते हैं, तो मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में मैं टोटल 10 पॉइंट बताने वाला हूँ कि 10 किन किन पॉइंटों का ध्यान रखते हैं सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो पहला पॉइंट हमारा दोस्तों ये होगा कि जहाँ भी हम सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं वहाँ सालों भर सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए। सूर्य सनलाइट जो है दोस्तों वो सालों भर मिलना चाहिए। वैसा साइट जहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश सालों भर मिलेगा वो हमारे लिए बहुत बेहतर साइट कहलाएगा, बहुत बढ़िया साइट कहलाएगा दोस्तों। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट वैसे साइट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, जहाँ पे जैसे हमको गाड़ी से मटेरियल ले जाना है, ले आना है, या सामान को रख रखाव में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वैसा साइट को चुना जाता है दोस्तों जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू नहीं हो, आने जाने का कोई इश्यू नहीं हो दोस्तों। और अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट में हम ये बताएंगे कि हम जनरली उन साइटों को चूज करते हैं, वैसे स्थान को सोलर प्लांट के लिए चूज करते हैं जो कि या तो फ्लैट हो, जैसे कि ये छत आप देख रहे हैं, छत पूरा समतल है, ठीक है। अगर हम ग्राउंड माउंट की बात करें जमीन वाले पे, तो जमीन पे भी अगर आपका समतल जमीन मिल गया तो एकदम बेस्ट है, या अगर थोड़ा सा साउथ की तरफ स्लोपिंग भी रहेगा तो वो भी आपका वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा दोस्तों कि कॉस्ट कम आएगी। जी हाँ दोस्तों, उसमें आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कम आएगी दोस्तों। तो अगर हम चौथा पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो चौथा पॉइंट वैसे साइट को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे फ्लड ना आता हो। हाँ दोस्तों, जहाँ पे बाढ़ वगैरह नहीं आता हो वैसे साइट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा जगह पे हम प्लांट लगा दिए जहाँ पे निरंतर हर एक साल बरसात के दिनों में बाढ़ आता हो, तो बाढ़ आएगा आपका सोलर प्लांट को लेके चला जाएगा बाढ़ में, ठीक है दोस्तों। तो वैसे साइट को हम लोग चूज करते हैं, वैसे स्थान को चूज करते हैं जहाँ फ्लड ना आता हो दोस्तों। और अगर जो हम आगे पांचवा पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो पांचवा पॉइंट वैसे साइट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिस साइट के आसपास में सब स्टेशन हो, वहाँ ग्रिड की कनेक्टिविटी अच्छी हो दोस्तों। जहाँ पर ग्रिड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो आप ट्रांसमिशन लाइन बैठाने में ही बहुत ज्यादा खर्च बैठ जाएगा। ये हम ग्राउंड माउंट के लिए बोल रहे हैं। अगर हम ऑन ग्रिड प्लांट की बात करें, रूफटॉप प्लांट की बात करें, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो जिस बिल्डिंग में हम लोग लगा रहे हैं, जैसे इस छत पे लगा है, तो इस छत में ग्रिड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम छठी पॉइंट की बात करें, छठी पॉइंट में हमारा ये चीज होगा दोस्तों कि हमारा जो भी जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहा है वहाँ आसपास में कोई पेड़ ना हो, पेड़ का शैडो ना आता हो, या हमारा पेड़ ही नहीं, अगर ये यहाँ पे बिल्डिंग है और इसके बगल में कोई और बिल्डिंग लग जाएगी दोस्तों, तो और उसकी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा हो, तो उसका शैडो इस पे कास्ट करेगा, तो वैसा ना हो कि शैडो कास्ट करे आपके सोलर प्लांट पे, ठीक है। तो इस चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि सोलर प्लांट पे कोई भी शैडो कास्ट ना करे, आपके प्लांट के बगल में कोई बहुत बड़ा पेड़ ना हो या उससे ऊंचा कोई बिल्डिंग ना हो, खास करके साउथ दिशा में, क्योंकि हमारा प्लेट जो होता है वो साउथ दिशा में लगता है 22.5 डिग्री के आसपास के स्लोपिंग में, तो साउथ दिशा में तो ना ही हो। तो अगर हम सातवें पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सातवें पॉइंट पे हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो भी प्लांट है या जिस जगह पे हम प्लांट लगा रहे हैं, या तो ग्राउंड माउंट हो या रूफटॉप हो, रूफटॉप लगा रहे हैं तो वैसे जगह पे लगाएंगे, वैसे छत पे लगाएंगे जो छत मजबूत हो और वो कम से कम 4 इंच का ढाला हुआ हो, ठीक है दोस्तों। ऐसा ना हो कि हम सोलर स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए ड्रिल करना पड़ता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, तो हल्का ड्रिल करें और पता चला कि लीकेज का प्रॉब्लम होने लगे, या उस जगह से छत थोड़ा सा कभी कभी होता है कि नीचे की तरफ से उतना दूर तक गिर जाती है वहाँ की जो सीमेंट वगैरह होती है, तो ये दिक्कत ना आए। अगर हम ग्राउंड माउंट की बात करें दोस्तों, तो ग्राउंड माउंट पे वैसा मिट्टी हो, जो भी आप साइट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वैसे साइट को सिलेक्ट करें जहाँ की जो मिट्टी हो वो सोलर प्लांट की लोड लेने के लिए कैपेबल हो। ऐसा ना हो कि सोलर प्लांट लगा दिए और पता चला कि 2-4-6 महीना बाद कहीं से एक लेग उसका दब गया वेट के कारण, तो वैसा अगर लेग दब जाएगा, अगर एक लेग भी दब जाएगा तो पता चलेगा कि उसके ऊपर जो भी मॉड्यूल होगा वो टिल्ट होके और वो टूट जाएगा, और इन आपका अलाइनमेंट भी पूरा बिगड़ जाएगा और आपका सही जनरेशन भी नहीं देगा, प्लस में नुकसान भी होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आठवें पॉइंट पे। आठवां पॉइंट हमारा ये होगा दोस्तों कि हाँ, पानी की अवेलेबिलिटी,
आठवां पॉइंट हमारा ये होगा दोस्तों कि पानी की उपलब्धता साइट पे हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सोलर प्लांट में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है, और जो भी मेंटेनेंस लगता है वो मेंटेनेंस केवल लगता है दोस्तों साफ सफाई का, मतलब मैक्सिमम मेंटेनेंस साफ सफाई का ही लगता है, इक्विपमेंट बहुत कम खराब होती है। तो पानी की उपलब्धता हो जिससे कि हम सोलर मॉड्यूल को साफ सफाई कर सके। आप ग्राउंड माउंट भी लगाते हैं तो वहाँ पानी की उपलब्धता हो, कि आप मेगावाट में अगर प्लांट लगाते हैं 2 मेगावाट 4 मेगावाट 5 मेगावाट 10 मेगावाट तो उतना क्लीन कर सके। जनरली अभी ऐसा है दोस्तों कि रोबोटिक मशीन भी आ गई है जो कि बिना पानी के ही क्लीन कर देती है, बट वो है अभी दोस्तों कॉस्टली है और इंडिया में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ बड़ी कंपनियां कर रही है दोस्तों। 9वां पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है दोस्तों सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, विदाउट सेफ्टी के हमारा प्लांट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम वैसे जगह पे लगा दिए जहाँ पे आसपास में आबादी ना हो, या वैसे जगह पे लगा दिए जहाँ चोर और ये सब का ज्यादा खतरा हो, तो चोर लोग आएंगे उखाड़ के लेके चले जाएंगे, तो हमारा लाखों करोड़ों रुपया ऐसे वेस्ट हो जाएगा। प्लांट पे भी जैसे किसी के छत पे लगाएं या गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगाएं, तो यहाँ सेफ्टी होना चाहिए कि प्लांट हमारा सुरक्षित रहे, चलता रहे, ऐसा ना हो कोई उखाड़ के ले जाए। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है दोस्तों, और भी चीजों का देखेंगे कि कोई हजार्ड ना हो, कहीं कोई और भी दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो 10वां पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 10वां पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि हमारा जो भी प्लांट है या जहां भी हम प्लांट लगाते हैं, जहां भी हम लोग साइट सर्वे करते हैं, तो साइट का लंबाई चौड़ाई और अगर साइट पे कोई चीज हो, जैसे कहीं बीच में पेड़ हो या कोई छोटा सा मंदिर हो या कुछ भी हो, और वो आपके सारे साइट के एरिया में आ रहा है, तो वो सारा चीज को मेंशन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं तो हमको इस छत पे प्लांट लगाना है, तो हम पहले यहाँ पे आके साइट सर्वे किए हैं कि यहाँ पे इस बिल्डिंग का जो भी छत है उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अगर हमारा इसमें सीढ़ी रूम है तो सीढ़ी रूम हम उधर से कितना मीटर की दूरी पे हमारा सीढ़ी रूम स्टार्ट है, सीढ़ी रूम की हाइट क्या है, लिफ्ट रूम है तो लिफ्ट रूम कहाँ है, वो सारा चीज मेंशन करते हैं, हैंड ड्राइंग एक बनाते हैं दोस्तों। अगर ग्राउंड में भी आप कर रहे हैं तो वो सब चीज ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे अगर कोई मंदिर पड़ रहा है तो कहाँ पे किस एरिया में मंदिर पड़ रहा है पर्टिकुलरली, और अगर स्लोप है हमारा ये लैंड आपका थोड़ा सा स्लोप है तो कितनी डिग्री पे स्लोप है, तो वो सारी चीजों को हैंड स्केच के द्वारा मेंशन किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो भी अपना डिजाइनर होता है वो डिजाइन करके अपना सोलर प्लांट का प्रॉपर डिजाइनिंग करके और प्रॉपर आपको डायग्राम बना के देता है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आगे वेंडर होगा या कंपनियां जो भी होंगी वो इंस्टॉल करेंगी साइट दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये साइट सिलेक्शन से लेके ये 10वां पॉइंट आपकी काफी उपयोगी साबित होंगी और आपको काफी हेल्प करेगी अगर आप जॉब करना चाहते हैं सोलर में या आप प्लांट लगवाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। या जॉब आप कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको काफी हेल्प करेगी दोस्तों। और साइट सर्वे, पूरा साइट सर्वे का एक फॉर्मेट होता है दोस्तों, मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा है जिसमें मैंने पूरा साइट सर्वे का क्या क्या उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड केबल का कैसे रूटिंग देखते हैं, अर्थिंग का कैसे रूटिंग देखते हैं, कहाँ पे अर्थिंग करना अच्छा होता है, वो सारी चीजें बताया हुआ है दोस्तों। और उसका जो भी लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपका सोलर प्लांट साइट सर्वे और साइट सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो वो सारी दोस्तों क्लियर हो जाए। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।